कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मतलब तुम लोग सोच नहीं सकते। तो ये गेम प्ले ना कल रात का है। तो मैं यहाँ पे पीक पे उतरा था और मुझे यूएमपी मिल गई थी, बहुत अच्छी गन थी। यूएमपी मिलने के बाद मैं ना सामने वाले घर में जाता हूँ, मुझे पता होता है कि सामने कोई बंदा है और इस घर में फुटस्टेप की भी आवाज आ रही। तो मैंने कहा मेरे पास यूएमपी है, तो चलो चलते हैं ऊपर, सीधा रस मारेंगे। मैं ऊपर गया और मैंने M14 से इसको मारा एक डैमेज, लेकिन यूएमपी जैसे इस पर मारा एक भी गोली नहीं लगी। मैं ना यहाँ पे इनसे बहुत तेजी से लड़ने लगा, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये लोग टीम अप कर रहे थे। इतने मैंने एक को नॉक भी कर दिया और ये बंदा जो है घूसा मार रहा था, लेकिन टीम अप भी कर रहा था। एक्चुअली मैं घूसा नहीं, ये घूसा मार के टीम अप करना दिखाना चाहता था, मैं बहुत लेट समझा, लेकिन फाइनली मैंने इनसे दोस्ती कर ली थी। दोस्ती करने के बाद ना मैं थोड़ा सा सतर्क था, क्योंकि पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देखा था दो एडम नो टॉप अप प्लेयर ने दोस्ती करके मुझे ही मार के मोड़ दिखाया। तो मैं ना एकदम सतर्क था यहाँ पे, कहीं मेरे साथ ऐसा काम ना हो जाए। तो मेरी और इनकी ना दोस्ती अच्छी हो गई थी, ये नहीं कि मतलब बहुत बेकार, बहुत अच्छी, मतलब ये लोग दिखा नहीं रहे थे और अप डाउन किए जा रहे थे मेरे साथ एकदम समझ लो ना, एकदम कितने अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं भी इमोट दिखा रहा था और इनके पास गन थी, मुझे मार सकते थे, लेकिन ये मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये होता है कि थोड़ी देर बाद जब हम मतलब यहीं पे ना पता नहीं क्या हो गया था मुझे भी, मैं भी यहीं बैठ के आराम से इनके साथ उठक बैठक दोस्ती वगैरह कर रहा था, तो आराम से यहीं पे बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से नीचे से एक नेड आता और हम सभी लोग नॉक हो जाते हैं और ये दोनों तो खत्म ही हो जाते हैं। ये दोनों खत्म होने के बाद यहाँ पर लोकेश गेमर आ जाता है। जी हाँ गाइस, लोकेश गेमर वाला बंडल का बंदा, मतलब हो सकता है लोकेश गेमर ही हो भाई। ये मेरे को इमोट दिखा रहा था यहाँ पे और इतना इसने लोल इमोट दिखाया कि इसके टीममेट भी आते हैं और वो भी लोल इमोट दिखा के मुझे चिढ़ाते हैं। और इन सब का प्लान था, मतलब कि भाई इतना यहाँ पे मेरे को बुरा लगता है ना, मतलब कि मैंने यार दो लोगों से दोस्ती करी और मुझे लग रहा था वो धोखा देंगे, लेकिन वो तो यार अच्छे लोग थे। लेकिन ये देखो लोकेश गेमर बंडल ने जो काम किया है ना यहाँ आके, और इतना इमोट दिखा रहा है ना, मतलब बहुत बुरा लग रहा था यार जब इमोट दिखा रहा था। तो जैसे ही मैं पूरा फिनिश हो जाता हूँ तो मेरे जो टीममेट होता है ना मुझे रिवाइव देने के लिए जाता है यहाँ पे, जो कि हमारे स्ट्राइक भाई होते हैं, तो वो मुझे रिवाइव देते हैं। लेकिन रिवाइव होने के बाद एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ, रिवाइव होने के बाद मैं सोचता हूँ कि हंगर पे नहीं उतरेंगे हम, भीमा शक्ति पे उतरेंगे, यानी कि पीक के पास, ताकि मैं जल्दी से जा सकूँ और उस टीम को मार के सबक सिखा सकूँ, क्योंकि उन्होंने तो यार पीक पे मारा था ना मुझे। तो मैं यार नीचे उतर रहा था, तो नीचे उतरते उतरते ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, कोई नीचे एक बंदा है और गाइस ध्यान से देखा तो वो बनी बंडल टाइप कुछ दिख रहा था। ऐसा देख के तो मैंने झट से अपना कैमरा एंगल मोड़ा और मैं इस कवर के नीचे उतरा और कवर के पीछे छुप गया। और उतरने के बाद मैंने देखा कि हाँ ये तो बनी बंडल ही है, जो कि भाई क्या ही मूवमेंट दिखा रहा है। और मेरे को लगा कि यार ये राइस्टर भी हो सकता है, क्योंकि वही फैशन जो है ना राइस्टर भी करता है, ऐसे ही कपड़े पहनता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ना ये किसी पे फायर करने लगा और वो मेरा टीममेट ही था, जो कि यूएनजी स्ट्राइक भाई थे, जो कि मेरे एकदम ही क्लोज आ गए थे। मैंने ये देख के कहा ओ माई गॉड, यानी ये मेरे टीममेट को मारने जा रहा है। मेरे पास कोई भी गन नहीं थी, लेकिन मैं आगे बढ़ा और लकीली मुझे घर में एक गन मिल गई थी। तो मैंने गन उठा के मैंने कहा जल्दी से इसको मार देते हैं, चाहे राइस्टर है कोई भी हो, जाके सीधा मार देते हैं। लेकिन इतने में बंदा नॉक कर देता है, मैं जाता हूँ और इसको मारने लगता हूँ, लेकिन ये कहीं भागने लगता है। और जब इसको मारने जाता हूँ ये टीम अप करने लगता है, और जैसे ही टीम अप करने लगता है यार मैं सोचता हूँ, एक तो पहले ही उन दोनों के साथ टीम अप करके मैं उस पर शक कर रहा था, वो लोग अच्छे लोग थे और मैंने उनको मार दिया, क्या मतलब मेरी वजह से वो मर गए। तो मुझे ना इसके ऊपर यार दया सी आ जाती है कि यार क्या यार मैं इसको नहीं मार सकता, और यार ऊपर से ये राइस्टार भी हो सकता है, क्योंकि गाइस देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से इसने मार दिया मेरे टीममेट को और क्या ही मूवमेंट दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ये राइस्टार भी हो सकता है। तो मैं ऊपर भीमा शक्ति पे था ही, तो यहाँ पे मेरे को और भी बहुत अच्छी खासी लूट मिल रही थी, तो मैं वहाँ पे लूट करने चला गया। एंड लूट करने के बाद ना मैं ना थोड़ा आगे जा रहा था जिप लाइन के पास, क्योंकि जिप लाइन के पास जाने के बाद ही भीमा शक्ति पे हम लोग जल्दी से जा सकते थे। और ये जो राइस्टर बंडल था ना ये भी मुझे इधर ही बुला रहा था, ये देखो जैसे कि ये इशारा कर रहा हो कि चलो जिप लाइन से। तो मैं भी समझ गया था कि इसे भी जिप लाइन से जाना है, तो जैसे ही मेरे से भी पहले जिप लाइन से गया ना मैं भी इसके पीछे गया। मैंने कहा इसको खोना नहीं है, क्योंकि गाइस मेरे टीममेट को भी इस राइस्टर बंडल ने मार दिया था और लोकेश गेमर की स्क्वाड से अगर मुझे रिवेंज कोई दिलवा सकता था तो यही है। तो गाइस इसीलिए मैं इसके साथ ना जिप लाइन से जा रहा था पीक की तरफ, और पीक के सामने ही था रिवाइविंग पॉइंट, तो हम लोग वहीं उतरने वाले थे। तो हम जैसे ही उतरने वाले थे ना अब आने वाला है एक ट्विस्ट। जैसे ही यहाँ पे मैं उतरा हमारे सामने लोकेश गेमर की स्क्वाड थी, भाई ये देख के तो मैं उस टाइम पे बहुत डर गया, लेकिन मेरे साथ राइस्टर बंडल भी था तो मैं थोड़ा कम डरा था। और यहाँ पे लोकेश गेमर को मैंने मार के यहाँ पे नॉक कर दिया था बहुत ही जल्दी, लेकिन इसके टीममेट भी आसपास ही आ गए थे। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई, इसलिए मैं जल्दी से अंदर गया, और अगर ये लोग मुझे मार देते तो यहाँ पे मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने इस घर के
अंदर आ गया था और मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि जल्दी से मेडिकेट मारता हूँ और राष्ट्रमंडल को बचाता हूँ लोकेश गेमर की स्क्वाड से, क्योंकि गाइज वो बहुत ही खतरनाक स्क्वाड थी और बहुत ही बेकार थी। तो मैं ना मेडिकेट मार के एकदम फास्ट जो है ना आगे गया और मैंने हेल्प करी, तो मैंने देखा कि ये तो गलती से उसी के ऊपर एम लग गया, लेकिन मैंने किसी तरीके से इसके टीममेट को मारा और गाइज मैंने पूरी स्क्वाड ही खत्म कर दी। पूरी स्क्वाड मतलब कि भाई क्या ही बोलूं, इमोट दिखा रहा था, बहुत खुश हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बंदे मार दिए थे और इसके दो बंदे को राइस स्टार बंडल ने मार दिया था। मतलब कि गाइज इसने मेरी हेल्प करी थी और भाई मुझे लगा था कि ये मर जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो लड़ रहा था और इतनी सारी वॉल लगा के लड़ रहा था। भाई क्या ही ओपी प्लेयर है गाइज। यहाँ पे तो मैं एकदम ही मतलब कि हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं इतनी देर तक मेडिकेट मार रहा था और ये बंदा अकेले लड़ रहा था। भाई ये कोई आम बंदा नहीं, मतलब काफ़ी प्रो प्लेयर है, अगर हो सकता है राइस स्टार भी हो सकता है, मतलब मैं यही सोच रहा था। और मेरे लिए ना ये गेम बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूजन से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होते जा रहा था, क्योंकि भाई एक तो इमोट भी बंदों ने दिखाया और एक ये भी किया, मतलब बहुत ही शॉकिंग हो गया था। और यहाँ पर जैसे ही मैंने रिवेंज ले लिया तो गाइस आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है, लेकिन अभी भी गेम में बहुत कुछ बाकी है। अभी एक और चीज़ ट्विस्ट आने वाला है जिसे देख के तुम थोड़ा सा हंसो भी और तुम कहोगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। Few moments later. तो मैं और ये जो बनी बंडल है ना एक साथ घूम ही रहते, मैं इसको रायस्टर ही बुलाता हूँ, तो रायस्टर बंडल जो है ना और मैं घूम ही रहते, तो मेरे को ना एक बात याद आई कि गाइज देखो अगर तुम सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मतलब कर ही डालो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। देखो गाइज मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो, कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता, अभी भी नहीं पड़ता, लेकिन गाइज देखो चैनल थोड़ा सा डाउन है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो को लाइक कर दो ताकि रीच मिल जाए। एंड हाँ, हैशटैग नोट अप आपको रिवाइव करना है यानी एक बार फिर से ट्रेंड में लेके आना है तो प्लीज़ यार स्पैम कर दो। स्पैम करने से नहीं होगा, 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि देखो नो टॉप अप प्लेयर के साथ ऐसे ही होता है जब टॉप अप प्लेयर इमोट दिखाते हैं मार के, समझ रहे हो, तो प्लीज़ समझना, सब्सक्राइब कर लेना। और चलो अब मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ। तो गाइज अब आने वाला है एक बहुत ही फनी ट्विस्ट। तो मैं आगे जब जा रहा था तो मुझे दिख गए थे मतलब बंदे लास्ट जोन वाले, जो कि लास्ट के जो बंदे होते हैं ना, लास्ट स्क्वाड थी, तो मैं और राइस्टर थे यहाँ पे, तो मैं और राइस्टर यहाँ पे फायर करने लगे और उसको मारने लगे। लेकिन हम जैसे सामने जाते हैं सामने से तीन चार बंदे और आते हैं, मैं एक को मार तो हेड वगैरह, लेकिन टीम अप करने लगते हैं, जो दिख रहा है वो टीम अप ही कर रहा था गाइज यहाँ पे, और मेरे लिए और भी वियर्ड होते जा रहा था ये मामला। मैंने लेकिन फिर से इनसे टीम अप कर लिया और टीम अप करने के बाद ना ये लोग मेरे सामने आए और एकदम ही अच्छे से डाउन करने लगे, लेकिन मैं एकदम ही सतर्क था गाइज। बुया एकदम ही करीब था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मेरे साथ राइस्टर बंडल भी था, बनी बंडल, और भाई बहुत ही ओपी खेला था, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी और रियल दोस्त इसी को कहते हैं। एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन यहाँ पे अब एक ट्विस्ट आने वाला है, यहाँ पे हम लोग बैठे ना तो ये सारे के सारे बंदे इमोट मारने लगे और बनी बंडल एकदम ही बैठा हुआ था। लेकिन अभी अचानक से एक चीज होगी, जैसे ही इमोट मारने लगे ना भाई साहब, इसने राइस्टर बंडल उठ के फायर कर दिया और यहाँ पे फाइट हो गई। और गाइज मैंने यहाँ पे भी वॉल लगा लगा के किसी तरीके से फाइट करने लगा और मैं एकदम ही अचानक से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और वहाँ पे राइस्टर भी किसी से लड़ रहा होता है और मैं उसकी हेल्प करने जैसे ही जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा भागते आ रहा है और इसको मैं किसी तरीके से नॉक कर देता हूँ। दो बंदे मैंने नॉक कर दिए और गाइज पीछे से मेरे को कोई मार था और वो पीछे वाला बंदा मुझे पता है कहाँ पे है, और वो पीछे वाला बंदे को मैं देखता हूँ कि राइस्टर को मार रहा है। राइस्टर बंडल की हेल्प करने के लिए मैं सामने जाता हूँ और मैं देखता हूँ एक दूर खड़ा बंदा है और यहाँ पे गाइस देखो राइस्टर उससे लड़ रहा होता है और मैं जाता हूँ कि चलो इसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं, तो मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ जब तक ये नॉक ही कर देता है, क्योंकि बहुत ही सही लगी। लास्ट वाला बंदा था तो मैंने कहा कि भाई लास्ट वाले बंदे को ऐसे नहीं मारेंगे, मैं ना इसके सामने जाता हूँ और मैं ना अप डाउन करता हूँ, टीम अप करने की सोचता हूँ। और गाइस मैं टीम अप करने जाता हूँ, टीम अप कर भी लेता है और बस क्या, अब हम इस पे इमोट दिखाते हैं मैं और ये, और ये भी इतनी जल्दी इमोट दिखाने लगा ना, मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम मेरी बातें समझ रहा था और ये भी समझ गया कि अभी मुझे मार देगा, तो मैंने कहा चलो मार ही देते हैं। और गाइज मैंने लास्ट वाले को भी मार के ऐसे बुया कर लिया और ये मैं कह सकता हूँ कि ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ राइस्टर बंडल की वजह से, या फिर ये राइस्टर ये पता नहीं कौन है, लेकिन भाई काफ़ी ओपी मतलब बहुत ही हेल्प करी इसने। लेकिन अब जो है, अब बहुत ही बेकार जो दुख की घड़ी थी वो थी कि लास्ट जोन था और कौन मिलेगा और कौन क्या करेगा, समझ रहे हो, मतलब लास्ट जोन था, अब कौन बुया लेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जाके एलिमिनेट हो जाता हूँ, लेकिन उससे पहले यही जाता है और ये जाके एलिमिनेट होने के लिए पहले ही पहुँच जाता है। मैं भी जाता हूँ कि चलो देखते हैं मैं एलिमिनेट हो जाऊँगा, लेकिन गाइस मैं समझ जाता हूँ कि मेरे से पहले गया है तो ये एलिमिनेट होगा और ये एलिमिनेट हो जाता है। तो